आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़ देश का सच दिखाते हैं। मैं ईशा नरवाल, आज खबर कनवास राजस्थान से। माता पिता को मिला भरण पोषण अधिनियम का लाभ, प्रार्थिया रामकन्या पत्नी भैरूलाल मेघवाल निवासी हिंगोलिया तहसील कनवास के द्वारा दिनांक 23/9/2021 को कनवास उपखंड अधिकारी राजेश टागा को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया 65 वर्ष व पति 60 वर्ष के बुजुर्ग दंपति हैं। प्रार्थिया का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है तथा पुत्र रन किशोर द्वारा भरण पोषण एवं इलाज के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं। प्रार्थिया के पति के खाते 6 बीघा जमीन है जिससे वो गुजर बसर कर रहे हैं। प्रार्थिया ने नगद मासिक राशि दिलाने के स्थान पर भोजन और चिकित्सीय उपचार हेतु पुत्र को पाबंद करने की मांग की। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज कर प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु को न्यायालय में बुलाया गया एवं बताया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक एवं उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा भरण पोषण अधिनियम 2007 लागू किया गया है। इसके तहत वृद्ध व्यक्तियों एवं माता पिता के भरण पोषण एवं देखरेख हेतु व्यवस्था की गई है। इसकी अवहेलना करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना व 3 माह के कारावास से दंडित किया जा सकता है। प्रार्थी के पुत्र से समझाइश की गई कि प्रार्थी आपके ही पिता हैं, उनका देखरेख करना एवं उनका भरण पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपने पिता की देखरेख करें एवं भरण पोषण की व्यवस्था करावें, अन्यथा कानूनी प्रावधानों में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपखंड अधिकारी की समझाइश पर पुत्र नन किशोर ने सहमति दी कि हम अपने पिता के स्वास्थ्य की देखरेख करेंगे व समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण करवाते रहेंगे, उनके भोजन की उचित व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार उपखंड अधिकारी की समझाइश से भरण पोषण के प्रार्थना पत्र पर का निस्तारण किया गया। अब तक उपखंड अधिकारी राजेश टागा ने कुल 24 भरण पोषण के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, कनवास जिला कोटा राजस्थान से खबर।